अस्सलाम वालेकुम जी, और कैसे आप सब लोग। और इससे पहले का आंटी के घर का ब्लॉग पड़ेगा इंशाल्लाह। और आज का जो ब्लॉग है, आज है सैटरडे और आज है 20 अप्रैल, और आज है मेरी फ्रेंड के घर में दावत, अदीबा, और मेरी स्कूल की फ्रेंड है बहुत ज़माने से, और उसके घर में दावत है। तो हमने सोचा आज का ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, क्योंकि दावतें फ्रेंड्स दावतें तो हैं, कंटिन्यू चल रही हैं, तो हमने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं यहीं से। और बस चलते हैं, 7:30 बज रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। हमने गाउन वाला ढीला वाला डाल लिया था, जो हमने अलविदा में पहना था, हमने कहा ये वाला गाउन डाल रहे थे, क्योंकि ईद का सूट पहनने के बहुत गर्म लग रही फ्रेंड्स, और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा काट रहा है, तो हमने कहा यही ढीला ढीला पहना था, हमें ये सब चीज़ में ज़्यादा कम्फर्टेबल लगता है। और तो बस चलते हैं, वहाँ अम्मी तैयार हो रही हैं, और जाके इंशाल्लाह हम आपके आपको दिखाएँगे। और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बस गर्म हमें तो के सब तैयार करके आराम से बैठ गए, हमें अच्छा नहीं लगता है काम कर सकते सब। हाय करो बाप का दिलाई मशीन नहीं पड़ेंगे, हाय करो चावल तो नहीं पहले पड़ेंगे, हम कुछ नहीं करें। समीरा गुटिया की तरह लग रही, तो हमारी भाजी हां कैमरे में। क्या नाम है बेटा? बाबू क्या नाम है? क्या नाम है आपका? अस्सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम नहीं बता बताएगी। व्हाट इज योर नेम? अनम नाम है अपना। आप सलाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आयशा नूर। आयशा अनम है? आयशा अनम कौन स्कूल में पढ़ती हो? मेरा भी एक कारण ही होगा। आपने पहले वीडियो में देखा होगा, अदीबा की मामू की लड़कियां थी, प्यारी प्यारी सुन लो की वीडियो बनाई थी, और अदीबा की नानी थी। और ये बस डिनर टाइम हो गया था, और यहाँ पे सिवई थी, दही भरे थे, दही की फुल्की थी, मीठे दही बड़े थे, चने थे, और कोरमा था, बिरयानी थी, रोटी थी, सैलेड थी, वाटरमेलन था, सब कुछ था। आप लोग आगे देखते रहिएगा, खाना बहुत यम्मी बना था, बहुत अच्छी दावत थी, बहुत अच्छा खाना बना था, और बहुत खाने में सब कुछ, बिरयानी तो इतनी लजीज बनी थी फ्रेंड्स, वन पॉट बिरयानी जिसको बोलते हैं, जो कि पसाव लग के उसी में चावल डाल के, और पसाव नहीं करा जाता, उसी में चावल गल जाते हैं। हमने रेसिपी डाली थी अदीबा के घर जब हम लोग गए थे, जब अदीबा की बात पक्की थी शायद, हाँ जब हम लोग गए थे, तो उनकी अम्मी ने वो बिरयानी बनाई थी, उसकी रेसिपी इस वीडियो में पड़ी है, हमने रिकॉर्ड भी करी थी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। डिनर जो है वो फिनिश हो गया, तो उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पिया, और उसके बाद हम लोग घर आ गए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज विदावर आप देखते थे हर कहा जाओ, आज मेरी बेस्ट फ्रेंड, मतलब कि बेस्ट फ्रेंड क्या, कल भी गए थे, वो स्कूल की फ्रेंड है, और जहाँ आज जा रहे हैं वो मेरे कॉलेज की फ्रेंड है, तो आज उसके यहाँ दावत है। और एक यहाँ आप दावत देख चुके होंगे, सब 3-4 मेरे दोस्त हैं, और सभी बेस्ट फ्रेंड हैं, इससे ज़्यादा ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते हैं फ्रेंड। तो बस अब चलते हैं, आला मार्केट जाना है, और 5 बज रहा है, अब चलते हैं, तैयार तो हो गए, नकाब ओढ़ते हैं, उसके बाद चलते हैं, फिर आपको वहाँ दिखाते हैं चल के, ठीक है? तो ब्लॉग में बने रहिएगा। और यहाँ पे अमन के घर का डिनर, क्योंकि हमने अमन से बोल दिया था अमन वेज बनाना, क्योंकि नॉन वेज खा के बहुत जीभ भर गया फ्रेंड्स, तो
अब जो है जब दावत निपट जाती है फिर नॉनवेज खाने का मन होता है, और जब दावत में जाते हैं फिर नॉनवेज, पता नहीं दिल क्या है, दिमाग क्या है, कुछ पता ही नहीं चलता क्या दिल चाह रहा है क्या दिमाग में है। तो यहाँ मैंने ये, इसको शाही दाल बोलते हैं उनके घर में, और हम लोग जो है वो सफ़ेद वाली दाल बोलते हैं। तो ये भी भटूरे के साथ, छोले भटूरे के खाई जाती है, और सिवई हैं, छोले हैं, चिप्स हैं, ढोकला है, पिस्की है एंड भटूरे हैं, ये सब चीज़ें खाने में थी। फिर अम्मी को हमने डिप्टी पड़ाव भेजा, अब अम्मी कह रही कल इसको बताएंगे मेरा सही बात है, सब सामान उसी यहाँ से रहते हैं ना। फ्रेंड्स सोफे पे कंफर्टेबल नहीं था तो इसलिए ज़्यादा खा लिए, यहाँ पे हम लोग बैठ गए और अभी इतना खाना बाकी है, और जो मेन कोर्स था वो पहले खा लिया है और एपेटाइजर अभी रखा हुआ है पीछे। तो अहमद ने कहा कि घर जाते जाते खा ले रहा है, तो हमने कहा बाजार भी हो रही है और तो रोज़े का टाइम भी हो गया, रोज़े वाली फील भी आ रही है, बस खाए पिए और मगरिब का टाइम हो रहा है, अब घर से थोड़ी परमिशन मिल गई, अब ज़्यादा नहीं हवा में उड़ेंगे, मगरिब के बाद घर पहुँचेंगे। फिर जरूर बताइएगा, हमें तो बहुत ज्यादा पसंद है। तुम लोग को ढोकला पसंद है? हमें बहुत पसंद है, इतना से निकालो उसकी, मेरा फेवरेट है ढोकला और उसकी मिर्ची। स्कूल टाइम में आतिका का लंच खाती थी और स्कूल की हम लोग बातें कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल टाइम की बात ही अलग होती है फ्रेंड्स। और अक्सर से दही बड़े खाए नहीं जा रहे थे ना, तभी प्यार दिखा के मेरा मन करता है अब हम स्कूल जाए तैयार होके ना, चोटी मार के ना, चोटी मारने का बड़ा जा रहा है, स्कूल जाते थे चिट्टियां कैसे एक बार अहमद की चोटी लगी फ्रेंड, यहां आए थे लटकती रही थी पतली पतली, एक बार गेटी साइड के टूट गई थी, फिर इसने अपने बैग से निकाल के दी थी चैपा ने, मेरी गेटी टूट गई थी, बालों की झाड़ू बना दिया है, लेकिन अब ठीक हो गए, अब सही है, बालों में कंटिन्यू ऑयलिंग करनी चाहिए मेरी तरह, जब आप लोग पूछते हैं मेरे बालों का राज क्या है, बहुत इफेक्ट पड़ा फ्रेंड्स, यही राज है। और अभी इतना बड़ा गुच्छा निकाल के बालों का है, क्योंकि इतना उलझ गया था, हमने सोचा बाल कटवा देंगे, अक्सर मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, खाओ हंसो नहीं ज्यादा, खाओ पियो किसको जल्दी है लो। और इकरा से पता चला, इकरा की अम्मी मेरा ब्लॉग देखती तो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। इकरा हाथ जोड़ रही है, कह रही है ऐसे ना कहना, अब लोग घर जाके मार खाओगी, खत्म करो यार ये सब। आप लोग को यहाँ का मेन्यू दिखाते हैं, एसटी चाट कानपुर और नवीन मार्केट में जो ब्रांच है उसकी। क्या हुआ फ्रेंड्स, छोला भटूरा देखिए कैसे, छोले भटूरे का बाप आया है, चटनी छोला पनीर रायता भटूरा बोलिए अम्मी, चीन को तो मैं गंदी कर लिया, तो मैं सब उल्टा बैठ गया ना, ढक्कन गिर गया ना, मैं तुम पी लेना, शैफा के छोले भटूरे से पेट नहीं भरा है, अब उनको मोमोज भी खाना है। और सब मैकेनिक इंजीनियर है।